मंच पे आसीन राज्यसभा के सांसद, हम सबके बड़े भाई और आम आदमी पार्टी में संकट मोचक नाम से प्रसिद्ध माननीय संजय सिंह जी, इस तालियों का मतलब है संजय भाई, जिस दिन आप गरजे थे वहां सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। मेरे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर संदीप पाठक जी, दिल्ली सरकार में मंत्री, आम आदमी पार्टी दिल्ली के संयोजक श्री गोपाल राय जी, दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी जी, सौरभ जी, कैलाश गहलोत जी, राजकुमार आनंद जी, इमरान हुसैन जी, दिल्ली की मेयर, दिल्ली की पहली नागरिक डॉक्टर सैली ओबराय जी और तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकगण, पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे कुलदीप भाई, सारे सांसद, सारे पार्षदगण और हजारों की संख्या में आए जितने आम आदमी पार्टी को चाहने वाले, अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले सारे कार्यकर्ता, दिल्ली के निवासियों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, एक ही नारा है जो आम आदमी पार्टी के मंचों से दिया जा रहा है, जो भाजपा में खलबलाहट पैदा कर दिया है। इनको लगा था कि अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, इनके विधायक बिखर जाएंगे, इनके पार्षद बिखर जाएंगे, कार्यकर्ता बिखर जाएंगे, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये सोचा उसी दिन भगवान बजरंग बली जी का आशीर्वाद आ गया। मंगलवार को भगवान बजरंग बली जी के आशीर्वाद से माननीय उच्चतम न्यायालय में ऐसी घटना घटी जो पूरे देश को, क्या विदेशों में लाखों करोड़ों की संख्या में बैठ रहे लोग सबको आश्वस्त कर दिया कि भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली जी का आशीर्वाद किसी को प्राप्त है तो आम आदमी पार्टी को प्राप्त है। सर, मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन था और आशीर्वाद के रूप में क्या आया? आया ईडी ने कहा, जज साहब हम मेरिट पे आर्गू नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ उस दिन घटना घटी सुप्रीम कोर्ट में, संजय भैया को तो मना किया हमने केस के बारे में बोलने का, लेकिन मैं तो बोल सकता हूं, मैं तो बोल सकता हूं, हम पर पाबंदी नहीं है। तो क्या हुआ, आप सोचें कि जब इतना बड़ा चल रहा हो एक षड्यंत्र, उस षड्यंत्र के बीच में जिस प्रकार से बजरंग बली जी का आशीर्वाद आया, जब ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि ये बताओ ईडी वाले भैया, क्या कोई मनी ट्रेल निकला? बोला नहीं। क्या कोई मनी की रिकवरी हुई? बोला नहीं। तो फिर भी क्या बेल अपोज करोगे? अब वो सकते में पड़ गया, बोला अगर बेल अपोज करोगे तो फिर मैं पूरे मैटर को मेरिट पे डिसाइड कर दूंगा और कुछ ऐसा फैसला दे दूंगा कि फिर तुम पछताते हाथ मलते रह जाओगे। बताओ इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा, इससे ज्यादा इंडिकेशन क्या होगा? ये इंडिकेशन ये था कि बजरंग बली जी भगवान श्री राम जस साहब के मुख से बोल रहे थे कि तुमसे बहुत भारी गलती हुई है, जहां घोटाले में एक पैसा नहीं लिया गया, जहां घोटाला नहीं हुआ, वहां तुमने बड़े बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी के संघर्षशील नेताओं को जेल में बंद कर रखा है। तो क्या बोला, अच्छा जी तो मोहलत दे दीजिए, आकाओं से पूछाते हैं, आका क्या चाहते हैं,
तो कहा लंच के बाद आना। लंच के बाद आए तो बोले जी हम बेल को अपोज नहीं करेंगे। बेल को अपोज किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद है? किसका आशीर्वाद है? देख लो, वो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, आशीर्वाद तो यहां मिल रहा है, आशीर्वाद तो यहां मिल रहा है। साथियों, वो जो दिन था, जो मंगलवार का दिन था, उस दिन हम सब लोग मिलकर मीटिंग कर रहे थे, और जब मैं बाहर निकला, इतना बड़ा समाचार निकला, मुझे मीडिया वाले पूछ रहे, भाई साहब संजय सिंह जी जेल, संजय सिंह जी को बेल मिल गया। मैंने कहा यह अकस्मात, ये भविष्यवाणी, ये परमात्मा का इंटरवेंशन। दोस्तों साथियों, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली जी का। ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है, ये भाजपाइयों को बताने के लिए है कि शेरों को तुम बहुत दिन तक जेल में रख नहीं सकते हो। ऐसा कोई जेल नहीं जो शेरों को बहुत दिन तक जेल में रख ले। आज संजय सिंह आए हैं, कल अरविंद केजरीवाल आएंगे, पीछे मनीष सिसोदिया आएंगे, फिर सतेंद्र जैन आएंगे, और फिर इनको मालूम पड़ेगा कि हमसे कितनी भारी गलती होगी। साथियों, भैया बिल्कुल होगा, मैं आ रहा हूं उस पर, चूंकि अतीशी जी ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि 16 दिन हो गया भैया ईडी वाले, कब कॉग्निजेंस लोगे, हमने आपको बता भी दिया। साथियों, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में, चूंकि हम सबको लगता था कि जिस प्रकार से देश माहौल बनाने का प्रयत्न किया गया, इस तानाशाह का अंत कौन करेगा, तो जैसे कंस का अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया, जैसे रावण का अंत भगवान श्री राम ने किया, वैसे ही तानाशाह का अंत अरविंद केजरीवाल जी के हाथ होगा। जिस दिन से गिरफ्तारी हुई है और जिस चोर की तरह उठा के ले गए, रात को 9 बजे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, रात को 9 बजे चोरों की तरह उठा के ले गए, हम लोग इस गेट पे थे, वो पीछे के गेट से ले गए। अरे कम से कम इतने हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे, अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले थे, उनके आंखों में आंखें डाल के बात तो कर लिए होते, चोरों की तरह, कायरों की तरह पीछे के दरवाजे से अरविंद केजरीवाल जी को ले गए। लेकिन क्या हुआ, 21 मार्च के बाद दोस्तों साथियों, एक केजरीवाल के शरीर को तुमने अरेस्ट किया, लेकिन केजरीवाल जी के शरीर को अरेस्ट करने के साथ साथ आपके खात्मे का दिन की शुरुआत हो गया। साथियों, अब क्या हो रहा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में एक नारा चल पड़ा, मैं भी केजरीवाल। क्या चल पड़ा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मैं भी केजरीवाल। अब कर लो गिरफ्तार सबको, तुम करके देखो, तुम्हारे पास जेलों में जगह कम है, यहां पे केजरीवाल के नाम पे मर मिटने वाले करोड़ों की संख्या में लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। साथियों, मैं जब 22 तारीख को अरविंद जी के साथ कोर्ट में बैठा हुआ था, 6.5 घंटा बैठा हुआ था, मैंने अरविंद जी को पूछा, देखिए क्या होता है लीडरशिप, क्या होता है नेतृत्व, क्या होता भगत सिंह के चेले का प्रमाण। मैंने पूछा, अरविंद जी आपको इन्होंने शरीर से अरेस्ट कर लिया है, अब हम लोग क्या करना है। अब देखिए उस बहादुर, उस समर्पित व्यक्ति का जवाब क्या कहा, सोमनाथ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का हर व्यक्ति इस देश में पैदा हुआ है देश के लिए और जनता के लिए, मरता है इस देश के लिए और जनता के लिए। और क्या कहा, कहा जिस प्रकार से शहीद भगत सिंह जी ने अंग्रेजों का सामना किया, उसी प्रकार से इस देश के अंदर रह रहे हर व्यक्ति को
जो कि भारत माता को प्यार करता है, इस तानाशाह से मुकाबला करना है साथियों। हर भारतवासी जो भारत माता से प्यार करता है, जो बाबा साहब के दिए गए संविधान से प्यार करता है, जो अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति से प्यार करता है, सभी को शहीद भगत सिंह जी की तरह उनके चेले होकर के, उनसे ऊर्जा लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के इस तानाशाह से मुकाबला करना है, और तब तक करते रहना है जब तक इस तानाशाह को हिंदुस्तान से निकाल के बाहर नहीं फेंक देते। सर, इनको लगा हमारी ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। अरेस्ट करने के बाद मैं चूंकि पार्कों में खूब जाता हूं, नई दिल्ली लोकसभा का जब से प्रत्याशी बनाया गया हूं तब से मैं पूरी नई दिल्ली में घूमता रहता हूं, तो जब प्रचार के दौरान पहले एक दो आदमी आ जाया करते थे पूछने के लिए सवाल, अब तो माहौल यह हो गया है अगर कोई भाजपाई मुझसे सवाल कर लेता है तो उसके खिलाफ पार्क में ही बैठे खड़े लोग 100-100 लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। ये हो गया माहौल दिल्ली में। वो पूछते हैं जो मेरे साथियों ने, सौरभ भाई ने, अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पूछा कि भैया शराब घोटाले शरद चंद्र रेड्डी से तो पैसा तुमने लिया, 55 करोड़ घोटाले से तो तुमने लिया, आरोपी से पैसा तुमने लिया, तो हमें यह बताओ केजरीवाल से तो पैसा निकला नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तुमने स्टेटमेंट दिया कि कोई पैसा नहीं निकला, कोई मनी ट्रेल नहीं निकला, तो घोटाला तो भाजपाइयों तुमने किया है, घोटाला भाजपाइयों तुमने किया है, और जेल आपने केजरीवाल को भेजा है। आज भारत माता का हर सपूत, हर पुत्र, हर पुत्री एक ही बात को लेकर के अडिग है कि जिस व्यक्ति ने इस भारत माता के सपूत अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का काम किया है, जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर शिक्षा में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया को जेल भेजने का काम किया है, जिसने जैन साहब को जेल भेजने का काम किया है, जिसने हमारे शेर संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा, जब तक उसको नहीं हटा लेंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे साथियों। अभी देखिए, अब कह रहे हैं भैया मोदी 400 पार, भाजपा वाले क्या बोलते हैं, मोदी 400 पार। आज ही पार्क में बोला मुझे संजय भाई, आज पार्क में बोला, कहा भैया भाजपा वाले ने बोला मोदी 400 पार, तो जनता ने क्या बोला, इस बार मोदी और शाह तड़ी पार, इस बार मोदी और शाह, इस बार मोदी और शाह, इस बार मोदी और शाह, इस बार मोदी और शाह। यह है कि दिल्ली कह रही है, देश कह रहा है, अब जाओ रेस्ट कर लो सबको, तुम सबको बंद कर दो। साथियों, दिल्ली जानती है, मैं अपने क्षेत्र में खूब घूमता हूं, तो मुझे किसी बहन ने बोला, सोमनाथ जी जिस व्यक्ति ने मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा है उसको हम तड़ी पार करके रहेंगे इस बार, जिस व्यक्ति ने मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट देने वाले सतेंद्र जैन साहब को जेल में रखा हुआ है उस व्यक्ति को इस बार तड़ी पार करके रहेंगे। दिल्ली के अंदर महंगाई का दर है 2.81%, यूपी में है 8%, गुजरात में 8%, राष्ट्रीय है 5.85%। तो भाजपाइयों, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आगे रख के काम करने वाला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, संजय सिंह, इन सब के साथ लाखों करोड़ों माताओं, बहनों, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है, क्या बिगाड़ लोगे तुम इनका। और इसी कारण से आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है जेल का बदला, जेल का बदला, जेल का बदला, जेल का बदला। साथियों, घर नहीं बैठना है, एक एक व्यक्ति को
दायित्व लेना होगा कि जिस प्रकार से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को उन्होंने हाथ लगाने का काम किया, चोर की तरह उठाने का काम किया, उसके सम्मान में, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसके काम करने की राजनीति के मोहब्बत में हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि हम घर घर जाएंगे, अलग जगह आएंगे और इस बार मोदी और शाह को तड़ी पार कराएंगे। मंजूर है? हाथ खड़ा करें, बताओ कौन कौन जाएगा? हाथ खड़ा करो, मैं आखिरी देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, यहां से ऊर्जा जानी चाहिए दिल्ली के हर घर में। जो कुलदीप बता रहे थे, मैं वो बता देता हूं आखिरी बात। मैं गया दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट में मैं प्रचार कर रहा था, मुझे रोक दिया, कहता है जी आप प्रचार नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मेरे नेताओं को आपने जेल भेज दिया है, कैंडिडेट प्रचार नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा? कहते भाई साहब बहुत दबाव है। पुलिस वाले कह रहे बहुत दबाव है, यहां तक कि इतने डरे हुए हैं का 144 है। मैं कहा मैं वकील हूं, 144 लगने के बाद चार आदमी तो घूम सकता है। कहता चार भी नहीं घूमने दूंगा। तब मैंने अपील की और अगले दिन पार्कों में लोगों ने मुझे कहा सोमनाथ जी आपके नेताओं को इन्होंने जेल बंद कर दिया है, आपको प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। अब दिल्ली का एक एक व्यक्ति, एक एक माता, एक एक बुजुर्ग, एक एक भाई, हर कोई प्रचार में निकल रहा है। भाजपा वालों उसका जवाब तुम्हारे पास क्या है?